हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल कटारिया। तो आप सब कैसे हैं? तो आज है पापा जी का बर्थडे। आई नो वीडियो काफ़ी दिनों के बाद डल रहा है, थोड़ा बिजी चल रहे थे तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, बट अब से मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगी। तो पापा जी के बर्थडे पे मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे वॉल डेकोरेट कर रही हूँ, प्रॉपर पूरी वॉल डेकोरेट होगी, और वरना हर बार तो मैं छोटी सी वॉल डेकोरेट करके और काम चला देती थी, बट इस बार पापा का स्पेशल बर्थडे है। पापा जी जो है पूरे 50 इयर्स के कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए जो है हमने छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। उनके फ्रेंड्स हैं, बुआ जी आएंगी, ठीक है। तो फिलहाल मैं फटाफट से ये लगा देती हूँ और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डेकोरेट पूरा होने के बाद इतना अच्छा लगा था ना, मुझे भी नहीं बिलीव हो रहा था कि लाइक इतना बढ़िया मैंने कर दिया फर्स्ट टाइम में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। और यहाँ पर पावनी मेरी पूरी पूरी मदद कर रही है फिलहाल, तो वो अपने ए के साथ खेल रही है, अल्फ़ाबेट्स को बार बार टच कर रही थी और मैं उसको मना कर रही थी कि बेटा प्लीज़ मत छेड़, क्योंकि एक बार फूट जाएंगे तो फिर दोबारा नया ही लाना पड़ेगा। अभी जब लम्बित ने सारे फुलाए थे उसके बाद वाई हमारा बेचारा हवा निकल गई थी उसकी। काफ़ी कोशिश करी हमने कि भाई गर्म करके उसको जैसे भी करें उसकी दोबारा वो हवा भरी, बट वो नहीं हो पाया, नया ही लाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे लगाना स्टार्ट कर दिया, चेक कर रही थी कैसे लगेगा कि कैसे नहीं लगेगा। तो चलिए फिर फटाफट से कंप्लीट करते हैं डेकोरेशन को। और यह पावनी मेरा सारा काम बढ़ा रही, सारे बलून्स निकाल दिए पैकेट में से। मैं पावनी को बार बार बोल रही थी मुझे अल्फ़ाबेट्स पकड़ाए, बट मुझे इस बात का भी डर लग रहा था कहीं ये फोड़ ना दे, कि बच्ची है हल्का सा प्रेशर डालते ये उनकी हवा निकल जाती है तभी, बट फुलाने में बड़े अच्छे हैं ये और काफ़ी दिनों तक चले भी थे, चल जाते हैं क्योंकि मेरी भाभी ने भी ऐसे डेकोरेट करा था एक बार, उसके बेबी का बर्थडे था तो उसने भी इसी तरीके से कुछ कुछ डेकोरेट करा था। तो यहाँ पर ये देखो फिर खेलने लग गई इससे कह रही मम्मा फिर से फुलाओ ना, और बलून्स फुलाने के लिए बोल रहे थे इस टाइम पे मुझे ये, बट वही मेरे पास इतना टाइम कहा था क्योंकि बहुत बहुत सारा काम था इस दिन, लाइक खाना बनाना था, डेकोरेशन करनी थी, रेडी होना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम था। तो यहाँ तो मैं फटाफट से बस लगी हुई हूँ कि जैसे तैसे करके फटाफट से डेकोरेशन कम्प्लीट हो जाए। खाना मैं बना चुकी हूँ और उसके बाद मैं रेडी होंगी। मेकअप वीडियो भी जो है मैं ज़रूर डालूंगी, इसके बाद जो नेक्स्ट होगी वो मेकअप वीडियो ही होगी, और कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स डालूं। एक्चुअली ना टाइम नहीं मिल पाता कई बार तो रह जाते, इस बार भी काफ़ी लंबा गैप हो गया, सॉरी फॉर दैट। आई नो आप लोग वेट कर रहे होगे वीडियो का, बट कोई बात नहीं, इसी से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं पावनी को बार बार बोल रही हूँ मुझे बलून्स दो बलून्स दो, इसको देने का तरीका देखो, लिटरली वो फेंक रही है बलून्स मेरे ऊपर, मतलब उसको मज़ा आ रहा है एक तरीके से, वो गेम बना रखा है उसने अपना और वो बहुत इन्जॉय कर रही है इस चीज़ को, बट कोई बात नहीं, मुझे तो काम करना ही था। ये सारे डबल साइडेड टेप की हेल्प से मैंने पेस्ट किए हैं। और यहाँ पर मम्मी आई हैं, थोड़ा बहुत सामान हटा रही हैं, कुछ सामान निकालना था उनको बेड में से, छोटा मोटा जो जो होता है। और यहाँ पावनी फिर से बलून्स को साथ खेलने में लग गई, मैं कह रही हूँ हट जा और बार बार आए जा रही है, पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा है उसको हेल्प तो करा नहीं रही और देख कैसे फुला रही बलून को बैठ के।
पहले मैंने सिर्फ इतना ही करना चाह रही थी, मतलब सिर्फ एक लाइन बनाना तो मेरे को सोगल में था, बट इट्स ओके स्क्वायर बन गया क्योंकि इतना पता नहीं है ना भाई कैसे क्या करते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, एक तो बहुत कम लग रहा है, तो मैंने एक और जो है लेयर स्टार्ट करी लगाने के लिए, ठीक है। और अभी मेरे कुछ बलून्स रहते हैं, जैसे हैप्पी कह रही हूँ, बर्थडे का वाई, क्योंकि गोल्डन कलर का वाई हमारा बेचारा पिचक गया। तो यहाँ पे ये देखिए मैं दोबारा से बलून्स लगा रही हूँ, एक और लाइन बना रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा हैवी लगे। सोच तो मैं ये रही थी कि जैसे ब्लैक है जिस तरफ उसकी साइड में गोल्डन बलून लगाऊंगी, और जहाँ पे गोल्डन है वहाँ पे साइड में जो आगे बलून लगा रही हूँ ब्लैक होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। ब्लैक ब्लैक के साथ लग गया, गोल्डन गोल्डन के साथ लग गया। पापा जी कह रहे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्या खमखा दीवार खराब करोगे, ये वो बट होने के बाद बहुत अच्छा लगा ना, सबको बहुत पसंद आया था। तो आप लग भी एंड तक देखना ताकि आप देख सकें कि भाई कैसा लगा लास्ट में जो भी है। अरे देखो पावनी अपने ही काम में लग रही है, मम्मी इसको खीर खिला रही है, खीर वगैरह बन चुकी थी क्योंकि खाना ऑलमोस्ट सारा ही रेडी हो गया था। इस दिन हमने बनाए थे पनीर, शाही पनीर बनाया था और नान बनाया था। तो ये बलून्स कम पड़ गए, तो बाकी बलून्स मैं लगा रही हूँ। इस डेकोरेशन को करने में मुझे कम से कम डेढ़ से दो घंटे लग गए थे, डेढ़ घंटा तो लगा ही था, डेढ़ घंटा मुझे कम से कम लगा था क्योंकि बलून्स कम पड़ गए थे। अगर बलून्स कम नहीं पड़ते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। हाँ फिर मैं साथ के साथ बलून्स को फुला रही थी और साथ के साथ ही लगा रही थी, एक बार ब्लैक एक बार गोल्डन, ताकि अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। मैं तो यहाँ काम कर करके इतनी बिजी हो रही हूँ और पावनी कोई हरकत देखना क्या करेगी अब वो। मतलब मैं बोल रही हूँ मेरी हेल्प करा दो, मुझे बलून्स दे दो, वो तो दिए ही नहीं जा रहे, उल्टा देखना क्या करेगी बेचारी फुलाने की तो पूरी कोशिश कर रही है बट इससे फूलेंगे थोड़ी सही है जैसी है बच्ची है, आप देखो देख आराम से बैठगी जच के मुड्डे के अंदर और कह रही है मम्मा देखो, मम्मा देखो मैं क्या करती हूँ। और यहाँ भी थक गई थी इस टाइम पे, तो मैं थोड़ा बहुत थकावट हो ही जाती है। ये फिर से बैठ गई अंदर बलून लेके, बलून फुला रही है बैठी बैठी, कुछ काम नहीं उसको मेरा काम बढ़ाने के अलावा। ये देख फिर बैठ गई एक बलून ले रही है उसको फेंक रही है, उसके बाद दूसरा बलून लेके फिर बैठ जा रही है। वही यहाँ पे काफी थकावट फील हो रही थी, तो मैंने सोचा पहले क्यों ना सारे बलून से फुला लूं अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैंने नीचे की लाइन पे भी जो है बलून्स लगाए थे ताकि वो अच्छे लगें, और थोड़े बहुत ऊपर रह गए थे तो वो भी लगाने थे मुझे बलून्स। नीचे भी मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि अच्छा लगे, लाइक नीचे खाली खाली नहीं लगेगा ना, पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा हमारा तो वो सुंदर लगेगा, इसलिए मैंने नीचे भी बलून्स लगाए थे। सो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो फिर से बोल रही वीडियो को एंड तक देख लेना। सो गाइज ये मैंने डेकोरेट किया है पापा जी के बर्थडे के लिए, हैप्पी 50th बर्थडे। बताना कमेंट कैसा लग रहा है अभी पापा। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरी डेकोरेशन कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, पूरे डेढ़ पौने दो घंटे की मेरी मेहनत है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।